हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल JGD एजुकेशन में। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स लेकर के आए हैं, जो कि रिलेटेड है एनम जेनम BSc नर्सिंग एंड नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा प्लेन शरीर को अग्र व पश्च हिस्सों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए फ्रंटल, ऑप्शन बी सेजिटल, ऑप्शन सी पैरासेजिटल एंड लास्ट ऑप्शन डी ट्रांसवर्स। राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन ए फ्रंटल। फ्रंटल प्लेन शरीर को अग्र व पश्च हिस्सों में विभाजित करता है, राइट? तो यहाँ पे लॉक किया जाए ऑप्शन ए फ्रंटल। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। हृदय ध्वनि किसके द्वारा उत्पादित होती है? ऑप्शन ए हृदय कपाटों के बंद होने से, ऑप्शन बी आलिंद के संकुचन द्वारा, ऑप्शन सी निलयों के संकुचन द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन डी एसए नोट द्वारा। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हृदय कपाटों के बंद होने से। हृदय ध्वनि हृदय कपाटों के बंद होने से उत्पादित होती है, राइट आंसर ऑप्शन ए हृदय कपाटों के बंद होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय को रक्त ले जाती है? ऑप्शन ए फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन सी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी ऊर्ध्व महाशिरा एंड लास्ट ऑप्शन डी महाधमनी। गाइस, यहाँ पे राइट आंसर है जो रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय को ले जाती है। तो यहाँ पे जो रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय को रक्त ले जाती है, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन ए फुफ्फुस शिरा रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय को रक्त ले जाती है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक अंग का मध्य पंक्ति यानी मिड लाइन से दूर जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एब्डक्शन, ऑप्शन बी एडक्शन, ऑप्शन सी सुपिनेशन एंड ऑप्शन डी फ्लेक्शन। तो शारीरिक अंग का मध्य पंक्ति से दूर जाना एब्डक्शन कहलाता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एब्डक्शन। शारीरिक अंग का मध्य पंक्ति से दूर जाना एब्डक्शन कहलाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंसुलिन स्रावित होता है ऑप्शन ए अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन बी अग्न्याशय की अल्फा कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन सी यकृत द्वारा एंड लास्ट ऑप्शन डी पित्ताशय द्वारा। तो गाइस, जो इंसुलिन स्रावित होता है वो अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं के द्वारा होता है, जैसा कि आपको पता होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए हाइपरप्लेसिया, ऑप्शन बी हाइपोप्लेसिया, ऑप्शन सी मेटाप्लेसिया एंड लास्ट ऑप्शन डी डिस्प्लेसिया। राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन ए हाइपरप्लेसिया। कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि हाइपरप्लेसिया कहलाती है। क्या?
हाइपरप्लेसिया। तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक भक्षक कोशिका में कार्य करती है? ऑप्शन ए मोनोसाइट, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन सी मैक्रोफेज एंड ऑप्शन डी आरबीसी। राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन डी आरबीसी। आरबीसी कोशिका एक भक्षक कोशिका के रूप में कार्य करती है, तो ऑप्शन डी आरबीसी। ओके, आई एम सॉरी गाइस, आरबीसी नहीं होगा, ऑप्शन सी मैक्रोफेज होगा। मैक्रोफेज कौन सी कोशिका है? तो ये मैक्रोफेज कोशिका है जो भक्षक कोशिका के रूप में कार्य करती है, तो याद रखना है ऑप्शन सी मैक्रोफेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सब सेंटर पर दिए गए ड्रग किट ए का तत्व नहीं है? ऑप्शन ए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ऑप्शन बी विटामिन ए सॉल्यूशन, ऑप्शन सी टैबलेट पैरासिटामोल एंड लास्ट ऑप्शन डी टैबलेट कोट्राइमोक्साजोल। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी टैबलेट पैरासिटामोल। टैबलेट पैरासिटामोल सब सेंटर पर दिए गए ड्रग किट ए का तत्व नहीं है, बाकी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल वैक्सीन है? ऑप्शन ए टिटनेस ट्रक्सोइड, ऑप्शन बी बैसिलाई कॉलमेटिगुरिन, ऑप्शन सी कॉलेरा एंड ऑप्शन डी ओरल पोलियो वैक्सीन। राइट आंसर ऑप्शन डी ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन एक वायरल वैक्सीन है, तो ऑप्शन डी ओरल पोलियो वैक्सीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के बाद 12 घंटे के भीतर नवजात को लगाया जाता है? ऑप्शन ए रोटावायरस, ऑप्शन बी मिजल्स, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी एंड ऑप्शन डी रूबेला। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी टीका जन्म के बाद 12 घंटे के भीतर लगाया जाता है किसको? नवजात शिशु को। तो ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चिकनगुनिया किस फैमिली की स्पाइसेस है यानी जाति है? ऑप्शन ए रियोवार्डाई, ऑप्शन बी फ्लेविविराडाई, ऑप्शन सी टोगाविरिडाई एंड ऑप्शन डी बनिया वेरिडाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टोगा वेरिडाई। चिकनगुनिया टोगा वेरिडाई फैमिली का वंश है, जाति है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स का औसत उद्भवन काल क्या है? ऑप्शन ए 30 से 35 दिन, ऑप्शन बी 1 से 2 दिन, ऑप्शन सी 25 से 30 दिन एंड ऑप्शन डी 10 से 21 दिन। तो यहाँ चिकन पॉक्स का जो औसत उद्भवन काल है वो है 10 से 21 दिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 10 से 21 दिन चिकन पॉक्स का औसत उद्भवन काल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, कुशल कार्मिक जो कि रोगी के घर पर नर्सिंग सेवाएं देने के लिए डिस्चार्ज पश्चात फॉलो अप विजिट करते हैं,
क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए स्क्रब नर्स, ऑप्शन बी होम हेल्थ केयर नर्स, ऑप्शन सी क्लिनिकल हेल्थ केयर नर्स एंड ऑप्शन डी कम्युनिटी नर्स। तो गाइस आप बताइए जल्दी से मुझे कमेंट करके, तब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी होम हेल्थ केयर नर्स। कुशल कार्मिक जो कि रोगी के घर पर नर्सिंग सेवाएं देने के लिए डिस्चार्ज पश्चात फॉलो अप विजिट करते हैं वो होम हेल्थ केयर नर्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से CSSM की फुल फॉर्म है कौन सा? ऑप्शन ए चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ऑप्शन बी चाइल्ड सर्वाइवल एंड सिकनेस कंट्रोल मेजर्स, ऑप्शन सी चाइल्ड सैनिटेशन एंड सेफ्टी मेजर्स एंड ऑप्शन डी चाइल्ड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स। तो यहाँ पर जो CSSM की फुल फॉर्म होगी वो आपका चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड होगा, कौन सा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जो कि CSSM की फुल फॉर्म है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर आमवती ज्वर के निदान के लिए सभी प्रमुख मानदंड में शामिल हैं? ऑप्शन ए कार्डाइटिस, ऑप्शन बी बुखार, ऑप्शन सी कोरिया एंड लास्ट ऑप्शन डी त्वचा के नीचे गांठ। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नहीं, इसका राइट आंसर आप बताएंगे मुझे। क्यों? क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करते, कमेंट्स करके इसका आंसर बताइए, मैं देखूं कि आप लोग कितना पढ़ते हैं, मेरे पढ़ाने का कुछ आप लोगों को समझ में आता भी है या नहीं। तो निम्नलिखित में से किसको छोड़कर आमवती ज्वर के निदान के लिए सभी प्रमुख मानदंड में शामिल हैं? तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। ओके क्वेश्चन 15 का आंसर हम वेट करेंगे कमेंट में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बढ़े ओके अंतःकपाली यानी इंट्राक्रेनियल स्थान में CSF के असामान्य रूप से उच्च संचय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोसिफेलस, ऑप्शन बी हाइड्रेमनियोस, ऑप्शन सी हाइड्रोसील एंड लास्ट ऑप्शन डी सबड्यूरल इफ्यूजन। अंतःकपाली स्थान में CSF के असामान्य रूप से उच्च संचय को हाइड्रोसिफेलस कहा जाता है। ओके गाइस तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोसिफेलस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए एडिमा, ऑप्शन बी प्रोटीनूरिया, ऑप्शन सी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया एंड ऑप्शन डी बढ़ा हुआ रक्तचाप। राइट आंसर ऑप्शन डी बढ़ा हुआ रक्तचाप। बढ़ा हुआ रक्तचाप को छोड़कर सभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषताएं हैं। तो वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं एक बार पढ़ देते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषताएं एडिमा, प्रोटीनूरिया, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया,
ये जो है तीनों ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषताएं हैं और बढ़ा हुआ रक्तचाप को छोड़कर, तो क्वेश्चन में यही पूछा है, तो राइट आंसर होगा बढ़ा हुआ रक्तचाप को छोड़कर सभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अल्पवर्णी और माइक्रोसाइटिक लाल रक्त कणिकाओं को किसमें देखा जाता है? ऑप्शन ए परनीसियस एनीमिया, ऑप्शन बी आयरन की कमी से एनीमिया, ऑप्शन सी हीमोलिटिक एनीमिया एंड ऑप्शन डी एक्यूट खून की कमी। तो अल्पवर्णी और माइक्रोसाइटिक लाल रक्त कणिकाओं को किसमें देखा जाता है? तो वो ऑप्शन बी में देखा जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया में। ओके, अल्पवर्णी और माइक्रोसाइटिक लाल रक्त कणिकाओं को आयरन की कमी से एनीमिया में देखा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो एंड करें आज के चैप्टर को यहीं तक। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस आपसे कुछ कहना था ये कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, अब आप ही लोग बताइए, यदि लाइक नहीं करेंगे तो हमें वीडियो बनाने में कैसे अच्छा लगेगा, बोलिए। आप ही लोग का एक मोटिवेशन मिलता है मुझे ना, आप लोग को पढ़ाते हैं हम, इतनी मेहनत से आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं और आप लोग हैं कि एक लाइक भी नहीं करते। तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का वीडियो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।